हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी तवा पिज़्ज़ा। मिनी तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमको चाहिए मिनी पिज़्ज़ा, छोटे वाले, मोज़रेला चीज़ कसी हुई, एक प्याज है जिसको हमने महीन महीन चॉप कर लिया है, एक टमाटर है जिसमें हमने शीट्स निकाल दी हैं, पल्प जो होता है उसका वो निकाल दिया है और उसको चॉप कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। हाफ शिमला मिर्च है, इसको भी हमने महीन महीन चॉप कर ली है। 2 टेबल स्पून कॉर्न है, टमाटो सॉस है, नमक, चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग, एक गार्लिक की क्लॉव है जिसको महीन महीन काट लिया है, मक्खन है और थोड़ा सा पनीर है, करीब 2-3 टेबल स्पून महीन महीन कटा हुआ। अब एक गैस पे पैन रखेंगे और पैन में डालेंगे मक्खन, मक्खन डालने के साथ ही हम डालेंगे इसमें प्याज और गार्लिक। इसको हल्का सा सॉटे करेंगे, उसके बाद डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च, हल्की सी शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे सॉटे करना है। अब शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अब इसमें डालेंगे हम कॉर्न, टमाटर, करीब 1 मिनट तक इसको हम सॉटे करेंगे जिससे कि टमाटर का पानी जो भी वो सूख जाए। इसमें डाल देंगे पनीर, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, करीब 1.5 टीस्पून, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक, करीब 1/2 टीस्पून के करीब, और टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। इसको सब मिक्स कर लें अच्छे से, गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम एक पिज़्ज़ा ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी टमाटर सॉस लगा लेंगे, ऊपर से हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग डालेंगे जो हमने बनाई थी। तरीके से और इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज। चीज अपने हिसाब से कम ज्यादा जैसे करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरीके से सारे पिज्जा तैयार कर लें। अब हम गैस पर एक तवा रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे दूसरा तवा तरीके से। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़ा सा मक्खन डालेंगे। तवा गर्म तो नॉर्मल हीट पे कर लें, लेकिन उसके बाद इसको स्लो मीडियम हीट पे सेकेंगे। इसमें थोड़ा सा मक्खन डाल देंगे और जो पिज़्ज़ा तैयार किए हैं हमने वो इसके ऊपर रख देंगे।
5 मिनट तक ढक करके पकाएंगे। ढक दिया। जैसे जैसे तवा गर्म होता जाएगा इसके अंदर जो चीज़ मेल्ट होती जाएगी, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है इसमें, करीब 5-6 मिनट हो चुके हैं इसको सीखते हुए मध्य मध्य आंच पर। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही ढका रखे रहने देंगे जिससे कि इसमें जो गर्माई है, इसकी जो हीट भरी हुई है इसके अंदर, उसी से ये चीज़ और अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और नीचे से क्रिस्पी हो जाएगा जो पिज़्ज़ा बेस है वो। अगर ज़्यादा देर हम गैस को जला के रखेंगे तो बेस जल जाएगा नीचे से। इसमें चीज़ मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। नीचे से एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। इसको हम कट करके सर्व करेंगे। ये हमारे मिनी तवा पिज्जा तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ी सीजनिंग डालेंगे। गरम गरम सर्व करें। थैंक यू।